हरिकृष्ण समूहाच्या किसना डायमंड अँड गोल्ड ज्वेलरनं महाराष्ट्र राज्यातील त्यांच्या किरकोळ भागीदारांसाठी व्यवसाय बैठक आणि शुभेच्छा कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश उद्योग ट्रेंडवर सखोल चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं आणि किसना फ्रँचायझी स्टोरच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी त्याच्या जुन्या आणि दीर्घकाळ चाललेल्या व्यावसायिक भागीदारांसोबत सहयोग करणं हा होता. हरिकृष्ण ग्रुपचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री घनश्याम ढोलकिया आणि किसना डायमंड अँड गोल्ड ज्वेलरीचे संचालक श्री पराग शाह या व्यावसायिक बैठकीला उपस्थित होते. त्यामध्ये उद्योगाचं आणि किसनाचं उत्पादन आणि सेवा ऑफर, व्यवसाय विकास धोरणं तसंच किरकोळ भागीदारांसह नाविन्यपूर्ण किसना शॉप इन शॉप, ब्रँड कॉर्नर यासारख्या विविध पैलूंचा समावेश होता. या व्यतिरिक्त किसनाच्या डिझाईन आणि उत्पादन क्षमतांवर देखील लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. रखा हुआ है ये पुणे में हम फर्स्ट टाइम किया हुआ है. किसना ब्रांड आप लोग को पता होगा, हरिकृष्ण ग्रुप की ब्रांड. हरिकृष्ण ग्रुप डायमंड मैन्युफैक्चरिंग है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग है, गुजरात और मुंबई में हेड ऑफिस है. 1992 में हरिकृष्ण स्टार्ट किया था, डायमंड का बिजनेस कर रहे थे. फिर किसना ब्रांड 2005 में लॉन्च किया. आज की तारीख में किसना इंडिया में 1500 शॉप एंड शॉप में अवेलेबल है. जो रेगुलर ट्रेडिशनल ज्वेलर्स है वो किसना खरीदते हैं और 19 शोरूम है किसना का स्टैंड अलोन, 19 शोरूम है. आज की तारीख में इंडिया में ज्वेलरी का बिजनेस बहुत बढ़ रहा है और उसमें जो ट्रस्टेड ज्वेलरी वाले है, हरिकृष्ण ग्रुप का पूरे इंडिया में सभी को ट्रस्ट है, किसना ब्रांड पे ट्रस्ट है. उसके लिए किसना ब्रांड इतनी जगह पे अवेलेबल है, बहुत बड़ी बात है. हमारे जो रिटेलर है, जो फ्रेंचाइज पार्टनर है, वो एडवांस पैसा दे के किसना डायमंड की फ्रेंचाइज ले रहे, शॉप एंड शॉप माल खरीदे है, तो बहुत प्राउड की बात है. किसना में बहुत सारा यूनिकनेस है, लेकिन सबसे जो है कि हमारा प्राइस बहुत बेस्ट है और डिजाइन बेस्ट है. कंज्यूमर को डिजाइन पसंद आ रहे किसना का. उसके अंदर मैं देखूं तो हमारा लक्ष्य एक हर घर किसना. तो किसना का जो भी प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग रेंज जो पेंडेंट 5000 में पेंडेंट अवेलेबल है सर्टिफिकेट के साथ, और 8000 में डायमंड की रिंग, जो हमारा लक्ष्य हर घर किसना. और कंज्यूमर के लिए स्पेशली जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे 90% उसको पैसा कभी भी चाहिए तो वापस मिलेगा, और 95% में एक्सचेंज, जो किसना में यूनिकनेस है. और ये इवेंट में बहुत सारे पूरे महाराष्ट्र से रिटेलर आए हुए जो किसना के साथ जुड़े हुए वो भी आए हुए, जो जुड़ना चाहते वो भी आए हुए, किसना के फ्रेंचाइज लेने के लिए आए हुए है, ग्रुप के बारे में जान रहे. तो कंपनी का प्रेजेंटेशन है, पूरा प्रोडक्ट रेंज भी है, और ये हिसाब से हमने पुणे में किसना क्लस्टर बोले या किसना ग्रुप एमिट रखा हुआ है. उसमें क्या है, पहले लोगों के माइंड में था डायमंड मतलब बहुत महंगा, और आज की तारीख में हमारे पास डायमंड का हरिकृष्ण में खुद का मैन्युफैक्चरिंग और ज्वेलरी का भी खुद का मैन्युफैक्चरिंग है. और हमारा लक्ष्य जो हर घर किसना, सभी के चेहरे में हम स्माइल देखना चाहते हैं. तो उसके लिए हमने जो स्टार्टिंग रेंज रखा हुआ है उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर पहन एक बार वो पहनेंगे तो फिर आगे जाके भी बड़ा प्रोडक्ट वो खरीद पाएंगे. और डायमंड का और गोल्ड का वो हिसाब से हमारे पास जो फैक्ट्री है कि कम वेट में भी बना सकते, उसके लिए आज की तारीख में अफोर्डेबल हो गया कि कंज्यूमर 5000 का पेंडेंट भी खरीद सकते. हमारे पास रेंज तो करीबन 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का भी है, लेकिन जो कंज्यूमर ने अभी तक डायमंड नहीं पहना उसको हम डायमंड पहनाना चाहते. पहले वो गोल्ड खरीदते थे, अभी उसमें से वो डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, और ट्रांसपेरेंसी की वजह से किसना का प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदता है. आपका डायमंड सर नेचुरल है या कैसा डायमंड? हमारा हरिकृष्ण ग्रुप का पूरा नेचुरल डायमंड है, जो रशिया और अफ्रीका में डायमंड निकलता है. खुद का हरिकृष्ण मैन्युफैक्चरिंग करता है और ज्वेलरी भी खुद करता है, वो हिसाब से भी हमारा डायमंड बाकी की ब्रांड से रीजनेबल है. हमारा मेकिंग चार्जिंग करीबन 15% के आसपास है, 10 से 15%, लेकिन उसमें हमने 90% जो बाय बैक रखा हुआ है वही रखा हुआ है कि कंज्यूमर खरीदे कभी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वापस वो खरीद सकता है, वापस ले सकता है, दे सकता है, और 95% में एक्सचेंज है. 2 साल पहना,
आज के यंगस्टर ने पहना और उसके बाद लगता है मेरे को नया डिजाइन पसंद आ रहा है तो 5% वो उसका कटेगा और नया डिजाइन भी खरीद सकते हैं और पहन सकते हैं। 19 फ्रेंचाइज आज की तारीख में इंडिया में स्टार्ट हो गई और करीबन 37 का बुकिंग हो चुका है पूरे इंडिया में। कृष्णा की शुरुआत हुई थी 2005 में जब हमने देखा कि इंडियन कंज्यूमर को ब्रांड चाहिए, तो वैसे ही एक नई ब्रांड की शुरुआत हुई थी 2005 में। और फिर हमने जब शुरुआत की तो हमने शुरुआत की थी मुंबई महाराष्ट्र से, फिर हम गए गुजरात और फिर धीरे धीरे पैन इंडिया में हमारी पूरी जो ब्रांड है कृष्णा अगले 19 सालों में पहुंची। आपने सही सवाल पूछा क्योंकि जब ज्वेलरी की बात होती है और डिजाइन की बात नहीं निकले तो चलता नहीं है। ज्वेलरी मतलब ही डिजाइन। जनरली हम जब मिलते हैं तो लोग बोलते हैं डिस्काउंट डिस्काउंट, लेकिन हम बोलते हैं डिस्काउंट तो कोई फीमेल को चाहिए नहीं, डेफिनेटली बेस्ट प्राइस चाहिए, वैल्यू फॉर मनी चाहिए। लेकिन अगर जो बात हम करें डिजाइन की, तो हमारे पास पूरा डिजाइनर का एक टीम है पूरा, जो डिजाइन समझती है, करती है, मार्केट विजिट करती है, हमारे जो दुकान है वहाँ जाती है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमारे रिटेल पार्टनर है उनके वहाँ जाती है, वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि किस तरह की डिजाइन कंज्यूमर को चाहिए, मार्केट में क्या गैप है, जो चेंजिंग ट्रेंड्स है वो ट्रेंड्स के हिसाब से करते हैं। और नेशनल लेकिन इंटरनेशनल शो भी हम विजिट करते हैं जिसके अंदर लोगों को पता चले कि क्या डिजाइन है और आने वाला ट्रेंड है। गोल्ड में अभी इंडिया का जो पोजीशन है, सो उसमें हमें जो भी महिला है गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती है, कुछ भी हो मतलब चाहे उसका रेट कितना भी चला जाए बट गोल्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी क्या क्या आप नया लाने वाले हैं ग्राहक के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली क्या रहने वाला है? आपकी बात सही है कि वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो लोग करना चाहते हैं डायमंड में, लेकिन अभी तक डायमंड की उपलब्धि नहीं थी मतलब वो गोल्ड में करते थे। आप देख लीजिए एनी फीमेल राउंड द वर्ल्ड एंड डेफिनेटली इन द इंडिया, उनकी एक एस्पिरेशन है कि मैं डायमंड ज्वेलरी पहनूं। लेकिन अभी तक क्या था, वो ज्वेलरी इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी, इतनी मात्रा में मिल नहीं रही थी पूरे जगह पे, तो वो लोग के पास ऑप्शन नहीं था, वो लोग गोल्ड ज्वेलरी पहन लेते। लेकिन अब जबकि कृष्णा ने कश्मीर से कन्याकुमारी बोल सकते हो, राजस्थान से नागालैंड तक बोल सकते हो, अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया और ये अवेलेबिलिटी बढ़ाई है, तो अभी लोग डेफिनेटली कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे कंज्यूमर है वो जब दुकान में जाते हैं वो सोना की रिंग खरीदने जाते हैं, लेकिन उसको जब पता चलता है कि डायमंड की रिंग अवेलेबल है, ये प्राइस में अवेलेबल है, सारे स्विच होते हैं। तो मैं जरूर बताऊंगा कि इंडिया की जो फीमेल्स हैं उनको डायमंड ही चाहिए। अच्छा, हीरा सदा के लिए बोला जाता है। हाँ जी, कोई भी एक लेडी हो तो उसे होता है, जैसे आपने बोला कि हीरा होना चाहिए उसके पास, तो ये नॉर्मल पीपल जो बहुत ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते उनके रेंज में भी है आपके पास? अगर मैं बोलूं जो आपने बताया कि नॉर्मल पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप देखो इंडिया के ये लोग नहीं, आज इंडिया को है ना दुनिया के नक्शे पर डाल दिया है, तो हमारे जो लोग है ना एकदम नॉर्मल नहीं है, वो सब ग्रेट है और उनकी इच्छा जो पूरी करने के लिए हमारे पास आप देखो तो हर ओकेशन का है, आप बोल सकते हो गिफ्टिंग रेंज है, डेली वेयर है, तो सबके लिए वो प्राइस से भी है। हमारे पास शुरुआत होते 4,900 से हमारी जो ज्वेलरी शुरू होती है और ऊपर तो 35 लाख 40 लाख तक की भी है, तो हर एक क्योंकि हर एक लेवल के कंज्यूमर्स हैं, हर एक ओकेशंस के कंज्यूमर है और हर एक रीजन कंज्यूमर है, तो सबके लिए जुड़ती है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या देना चाहोगे आप अपने कस्टमर्स के लिए? हमारे कस्टमर के लिए एक है कि हमारा जो कृष्णा जो है उसका एक गोल था कि हर घर कृष्णा, फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ एवरी इंडियन वुमेन। उसका मतलब है कि इंडिया की जितनी भी फीमेल्स है हम सबकी इच्छा, क्योंकि हमको मालूम है कि डायमंड पहनने की सबकी बहुत इच्छा होती है और वो इच्छा पूरी करने का एक हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए कृष्णा के साथ जुड़कर उनके फीडबैक हो, उनकी टाइप ऑफ डिजाइन हो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जितना हमको फीडबैक देंगे डेफिनेटली विल ट्राई टू फुलफिल देयर एस्पिरेशन एंड देयर नीड्स। थैंक यू।